कबीर सिंह जर्सी, तेरे नाम, जिंदा, कांटे, या इवन हेरा फेरी, भूल भुलैया, इवन जल्दी आने वाली लाल सिंह चड्ढा भी फॉरेस्ट गम की रीमेक ही है। काफी रीमेक्स देखे हैं हमने, काफी बार सेम डायरेक्टर्स ने अपनी मूवीज को अलग अलग लैंग्वेज में रीमेक किया है टू टैप द मार्केट और लैंग्वेज बैरियर को हटाने के लिए। कई बार नए डायरेक्टर्स ने भी काम को आगे बढ़ाया है। जब भी नए देखने से पहले पुराने को देखा तो हमेशा यही लगा कि क्यों ऐसा होता है कि बिल्कुल सीन टू सीन कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। रीमेक में बिल्कुल भी स्टोरी लाइन को, स्क्रीन प्ले को चेंज करने की कोशिश नहीं की जाती। ऐसे में इट मेक्स मी वंडर कि सिनेमा जब खुद ही एक आर्ट फॉर्म है तो क्रिएटिव लिबर्टी, जो क्रिएटिव जूसेस शुरू में लोगों को इसकी तरफ आकर्षित करते हैं, क्या ऐसे क्रिएटर्स आर रियली एट पीस विद देमसेल्व्स जब रीमेक बनती होंगी? आई मीन फिर क्या ही आप डायरेक्शन करते होंगे, मेरे लिए कैमरा वाले का ही काम है ना, उसके पास पुरानी मूवी पड़ी है, बस सीन पे सीन चिपकाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच रीमेक्स डायरेक्टर्स आर डड्स एंड आर नॉट गुड इनफ, बट बस यही कि कुछ तो चेंज करना चाहिए। जो लोग ओरिजिनल देख चुके हैं, व्हाट्स द इंसेंटिव फॉर देम टू सी आर मूवी, स्पेशली जब ओटीटी रेवोल्यूशन के बाद लैंग्वेज बैरियर्स खत्म होते जा रहे हैं। खैर, आज की मूवी है विक्रांत मासी और राधिका आप्टे स्टारर फॉरेंसिक, और रीमेक है 2020 की मलयालम मूवी ऑफ द सेम नेम। पुरानी मूवी में थे हमारे सुपर हीरो मीनल मुरली स्टार टोबिनो थॉमस एंड ममता मोहनदास। यहाँ मासी एज जॉनी खन्ना, एक फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट, एंड आप्टे एज SI मेघा शर्मा के रोल्स में है। इसके अलावा प्राची देसाई हैं, रोहित रॉय, विंदु दारा सिंह भी हैं। क्या फॉरेंसिक भी बस एक और रीमेक रही या इससे ज्यादा बढ़ के निकली? आइए देखते हैं इस रिव्यू में पहले वो चीजें जो बढ़िया रहती है फॉरेंसिक के बारे में। न्यू टेक्निकल नो हाउस, डॉक्टर सालूम के, जी हाँ, एक स्पेशल अपीयरेंस में है नरेंद्र गुप्ता जी एज द फॉरेंसिक गुरु, और फॉरेंसिक डेनो फिनोटाइप जैसी इंटरेस्टिंग साइंस को हमारे सामने लाते हैं। ऑल्सो कुछ एक दो रेफरेंसेस और हैं CID को लेके, देख के अच्छा लगा। कॉल बैक्स टू फेमस फाइव एंड ब्योमकेश, एक इंटरव्यू में विक्रांत कह चुके हैं कि कैसे फॉरेंसिक इज क्लोज टू हाउ सत्यजीत रे क्रिएटेड डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी यूज टू सॉल्व द केसेस, बट मुझे ब्योमकेश से ज्यादा एनिड ब्लाइटन की फेमस फाइव और थ्री इन्वेस्टिगेटर्स की याद आई। का सिनेमाटोग्राफी बहुत जानदार है, उन इन्वेस्टिगेटिव शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स में भी एक एक्सॉटिक वर्ल्ड क्रिएट होता था। यहाँ भी क्योंकि मूवी उत्तराखंड की मसूरी में सेट है तो काफी पिक्चर पोस्टकार्ड्स जैसे व्यूज मिलेंगे आप। द डिफरेंट राइटिंग, दोस्तों मूवी एक ब्लेटेंट कॉपी पेस्ट नहीं है ओरिजिनल मलयालम मूवी का, एंड काफी कुछ बदलाव किया है मेकर्स ने। बेसिक स्टोरी लाइन सेम रखी है बट काफी कुछ चेंजेस लाए हैं। रीमेक्स में ये करना बहुत जरूरी होता है आई बिलीव, बिकॉज फिर आप ओरिजिनल भी जाके विजिट कर सकते हो। आई फेल्ट ये एक कमेंडेबल वर्क था बाय विशाल फुरिया स्टीम। अब वो कुछ चीजें जो सही नहीं बैठी फॉरेंसिक के लिए, द नेगेटिव पार्ट्स। बैकग्राउंड म्यूजिक, दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक इसी थ्रिलर मूवी की जान होती है, एंड देर आर लार्ज पार्ट्स जहां ये था ही नहीं, जबकि ओरिजिनल में आई फेल्ट BGM वॉज यूज वेरी वेल बाय द डायरेक्टर्स अखिल पॉल एंड अनस खान। द चिकीनेस, ऑल्सो विक्रांत मासी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है बट वो बीच बीच में एक दिल फेंक और लाइट हार्टेड से हो जाते हैं, जैसे कि अगर कोई बोले जॉनी जॉनी तो यस डार्लिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं, एक चाइल्डिशनेस सी है। मुझे यह अच्छा लगा और आई फेल्ट ऐसा कोई अपने आप को टेंशन फ्री करने के लिए भी करता हुआ, बट कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग सकता बिकॉज मूवी की सीरियसनेस कुछ कमजोर हो जाती है ऐसे करने से। इनएक्यूरेसीज, देर आर सीन्स जब विक्रांत एक पुलिस वाले की तरह गन लेके घूम रहे हैं एंड ऐसे ही स्ट्रेटेजिकली हंट भी कर रहे हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट एकदम से पुलिस वाले कैसे हो गए, ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी। एडिटिंग, मुझे लगा कि मूवी को बेटर एडिटिंग की जरूरत थी, 2 घंटे 10 मिनट की मूवी अगर 1.5 पौने 2 घंटे की होती तो बेटर रिजल्ट्स आते। सेकंड हाफ में इट सफर्स फ्रॉम द कर्स ऑफ द सेकंड हाफ, स्क्रीन प्ले इज ऑल ओवर द प्लेस, फर्स्ट हाफ की सारी मेहनत खराब हो गई। ऑल इन ऑल फॉरेंसिक एक डिसेंट वन टाइम वॉच है, आई एम अ फैन ऑफ फूरियस फिल्मोग्राफी एंड एक्सपेक्ट बेटर फिल्म्स फ्रॉम हिम। यहाँ नया कुछ करने की कोशिश है, डिसेंट अटेम्प्ट है, विक्रांत मासी और राधिका आप्टे साथ में दोनों अच्छे लगे, दोनों का ही अच्छा काम है। मेरी तरफ से फॉरेंसिक को 2.5 यानी कि 2.5 स्टार्स। मूवी के एंड में देयर इज अ हिंट फॉर सीक्वल जो कि शायद गोवा में हो, ब्रिंग इट ऑन, वी आर रेडी फॉर इट। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू फॉरेंसिक मूवी का, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आपने मूवी देख ली है तो भी बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियोस डालू नोटिफिकेशन आ जाए आपको सबसे पहले। लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि फॉरेंसिक कैसी मूवी है। मिलूंगा जल्द ही आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
Bye-bye, take care, and good luck at the movies. Thank you.